हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है खुर्रम और मेरा नाम है वजह। तो यार आज हम देखने वाले हैं अजय देवगन का पुलिस स्टेशन फाइट सीन। तो भाई बहुत ही ज्यादा डिमांड आ रही थी अजय देवगन के पुलिस स्टेशन फाइट सीन की, तो लेकर आ गए आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ये सीन। तो जल्दी से वॉच करते हैं, देखते हैं भाई ये कैसा होने वाला सीन। तो कड़ान करते हैं स्टार्ट। हटाइए, चल जाने दे, वापस फोन करता हूं। निकल, रात ये चेकिंग हो रही है। अरे तेरी चेकिंग गई भाड़ में, हटाइए बैरिकेड। ये गाड़ी क्या तेरे बाप की है? ए, ये सड़क क्या तेरे बाप की है? ए, ये सड़क क्या, ये शहर, ये मोहल्ला, ये सब हमारे बाप का है। जयकांत शिकरे के आदमी है हम लोग। ये हटा बोला ना। पीछे चला रहे थे ऑन ड्यूटी, इंस्पेक्टर को गाली दी, पुलिस के साथ कोऑपरेट नहीं किया, लगाओ चार्ज। ए सिंघम, चार्जेस तो मैं लगा सकता हूं तुझ पर। आम नागरिकों के साथ तूने कोऑपरेट नहीं किया, पब्लिक हरेसमेंट और बेवजह वायलेंस किया, ऑन ड्यूटी अपनी वर्दी का गलत फायदा उठाया। ए कोई एफआईआर नहीं लिखेगा तू और कोई चार्जेस नहीं लगेंगे इन पे, जाने दो इन्हें, दीज आर माय ऑर्डर्स। लेकिन सर ये, अबे चुप कर, सीनियर हूं तेरा, मुझे सिखाएगा तू बाजीराव सिंघम? चलो हंस के निकल गए। यहाँ तो ऐसा चलता है, इस देश के राजनीति में सिस्टम हो ना हो, यहाँ के सिस्टम में राजनीति जरूर चलता है। ती चाहेला कदम को पुलिस ने सपोर्ट नहीं किया, तेरे को डीएसपी ने सपोर्ट नहीं किया, इसलिए तू चाहता है कि मैं तेरे को सपोर्ट करूं। नाम क्या है तेरा? सर बाजीराव सिंघम। बाजीराव, बाजीराव, यहां पे तेरे फर्ज और इंसाफ की बात नहीं है, बल्कि हिम्मत और बेवकूफी की बात है। क्या है, नंगे पैर अंगारों पे चलने का सोचना हिम्मत की बात, नो डाउट, लेकिन एक्चुअली उस पे चलना बेवकूफी है। अच्छा, अरे तू उस पे हाथ डालेगा ना तो तेरा हाथ जल जाएगा। लेकिन सर आप मुझे एक मौका तो दीजिए, आपके सपोर्ट से। क्या सपोर्ट, सपोर्ट बात करता है तू, मैं क्या मूर्ख है तू, क्या सांगता है, डॉक्टर मिल ले तू जा। और तू शिकरों क्या समझता है? तेरे गांव का वो कोई चाय वाला है जो चाय की जगह पे दारू बेचता था, इसलिए तू उठा के उसको अंदर कर दिया? अरे बाबा, उसके एक महीने का जो इनकम है ना, उससे तेरा पूरा गांव तेरे साथ पूरा 10 साल तक खाना खाएगा, वो भी पेड़ भर के। उसका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, नॉनसेंस, मिनिस्टर के साथ, पुलिस वालों के साथ, पब्लिक के साथ। तो एक काम कर, ये पानी अपने मुंह पे मार, होश में आ, तू ड्यूटी कर रही है, उंगली मत कर गा उठी। हाँ, तो शुरू कर, तो क्या सांगता है यार, वे लप तो होर्डिंग पर भागा नहीं है? क्या नेता तू, तू खड़ा क्या है, मेरा मुंह क्या देख रहा है, मैं राम कथा बोल रहा हूँ क्या? मेडल चाहिए तेरे को, चल भाग। क्या हो क्या रहा है, पागल हो गया क्या तू? लिक्कर का केस डाल दिया, फिर मारपीट का चार्ज लगा दिया, उसके बाद खुद एफआईआर फाड़ के बेचारे शिवा को अंदर कर दिया, क्या चाल है क्या है? अरे बाप का राज है क्या? साहब, शिवा नायक ने हमारे सामने एफआईआर फाड़ा था। अरे होले। हाँ सर, मैंने भी देखा था। जी सर, मैंने भी देखा था। अच्छा, तुम लोग सब अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हो। हाँ ठीक है, शिवा नायक ने एफआईआर फाड़ा, फिर भी मैं ऑर्डर दे रहा हूं उसे रिलीज करो अभी इसी वक्त। अभी जो बोला वो राइटिंग में दीजिए, फिर सोचूंगा। वो राइटिंग में मांग रहा है। तू जानता किससे बात कर रहा है? मैं तेरा सीनियर। अबे चुप, लिखे थे। जानता हूं किससे बात कर रहा हूं, उस ऑफिसर से जो अरेस्ट होने से पहले गुंडों को छुड़वाने आ जाता है। हमारी ड्यूटी मुजरिमों को पकड़ने की है, उसके लिए पावर या पोस्टिंग की जरूरत नहीं, सिर्फ दम की जरूरत है। तू इस जोन के डीएसपी से बात कर रहा है, डीएसपी से, और आप बाजीराव सिंघम से, जो सही के साथ सही और गलत के साथ सही करने की हिम्मत, ताकत और जुर्रत रखता है। मैं क्या क्या मैं डिसमिस करेगा, सस्पेंड करेगा तो करना। तुम लोगों को इन चीजों से फर्क पड़ता होगा, मला फर्क नहीं पड़ता। गांव जाऊंगा, मेहनत करूंगा, अपनी जरूरतें पूरी करूंगा। मेरी जरूरतें कम है इसलिए मेरे समीप में दम है। चुप कर।
छोटे से गांव का एक मामूली इंसान। अरे गांव या शहर, सरकार हम पुलिस वालों को एक जैसी वर्दी देती है जिसमें शेर का एम्ब्लम माथे पर होता है, लेकिन मेरे यहाँ है सीने पर। अपने सीनियर से जबान लड़ाता है? अपने सीनियर से नहीं, मैं उस पब्लिक सर्वेंट से जबान लड़ा रहा हूँ जो पब्लिक का नहीं, एक गुंडे का, जयकांत शिकरे का सर्वेंट है। भूल मत, मेरे कंट्रोल में 10 पुलिस स्टेशन है जिसमें से तेरा। मेरे कंट्रोल में सिर्फ यही एक पुलिस स्टेशन है। इसमें जो टांग अड़ाएगा मैं उसकी टांगे तोड़कर उससे सड़क पे भी बंबाऊंगा। अच्छा कावत, वेरी वेल डन, इसको बोलते हैं ड्यूटी। आप सब लोग गुड नहीं गुडेस्ट हो। और बाजीराव तू, अरे गोवा का फेनी, गोवा का काजू, गोवा का कलंगूट बीच इतना फेमस नहीं जितना तू फेमस हो गया। अरे विदाउट एनी सपोर्ट तू इतना अच्छा काम किया है, नॉन सेंस। अरे मैं तेरे को सपोर्ट करने को तैयार है। हाँ, तारीफ कर रहा है भाई। अब तो आज से मैं तेरे को हमारे पुलिस डिपार्टमेंट ट्रेनिंग का चीफ बनाता है। ये नया नया कोला लड़का आता है ना, तू उनको ट्रेनिंग देगा। ये किडनैपिंग वगैरह का चिरकुट केस अपना डीएसपी पाटकर संभालेगा। पाटकर खुश? सीधे सीधे बोलना, तू मुझे इस केस से हटाना चाहता है और जयकांत को बचाना। यही समझ क्या बोल रहे तू? है जयकांत कौन है मालूम है तेरे को? कौन है मालूम है? तो था हाथी है, वो हाथी उसके सामने तू चीटी भी नहीं है। चीटी जब चीटी हाथी के कान में घुस जाती है तो वो हाथी से भी तांडव करवा सकती है। कैसे घुसेगा तू? कैसे घुसेगा? तेरे को कितनी बार समझाया गांवठी कि जयकांत के खिलाफ तेरे पास कोई सबूत नहीं है? क्या सबूत है इसके पास? बोलना क्या सबूत है तेरे पास? क्या है क्या सबूत है अब बता। तेरे बाप के पास क्या सबूत है कि तू उसका बेटा है? साला सबूत नहीं तो हर गुनेगार बेकसूर, देख तू मेरे सबूत नहीं तो हम नेता के कुत्ते। ले भाई खा, देख तूने मेरे को मारा है, मेरे पे हाथ उठाया, मेरे सर पे हाथ उठाया तूने। इस बात का क्या सबूत है कि मैंने तुझ पर हाथ उठाया? ये लोग है ना, इन्होंने देखा, तुम लोगों ने देखा ना इसने क्या किया? क्या हुआ साहब? तुम लोगों ने देखा ना इसने मेरे को मारा? क्या मस्करी करते हैं साहब, सिंघम साहब तो अपने जगह पे खड़े हैं, उन्होंने आपको टच भी नहीं किया। तुम सब लोग झूठ बोल रहे हो, एक दूसरे से मिले हुए हो तुम। ए, तेरा नाम बाजीराव होने से कुछ नहीं होता, तू क्या समझता है बाजीराव होने से तू क्या मराठा होगा क्या? लेकिन मैं तेरे को बताएगा कुर्सी का पावर क्या होता है, वो मैं बताएगा तुम लोग कुर्सी का पावर क्या होता है। बहुत कुर्सी कुर्सी करता है ना तू, इस बार तुझे ऐसी जगह मारेंगे कि जितनी बार कुर्सी पे बैठेगा हमें याद करेगा। मुझे वागाचे पंजे तुझे इच्छा गावा दिया रे। मेरा 6 महीना बाकी है रिटायरमेंट का, मैं भी एक मारूं? क्यों टक? हल्की सी मारी था यार, ये इतने जोर से मारने की क्या जरूरत थी यार, अब बेचारे का पिछवाड़ा ही अलग ना हो जाए। मारी भी तो हल्की सी मारी से, और क्या गंदी गंदी मारी है पिछवाड़े को यार। भाई नहीं, वो बड़ी कुर्सी का भाव दिखा रहा था ना, कह रहा तुझे बताता हूँ कुर्सी का भाव। हमने बोला कहता तो जो मैं आज ट्रेनिंग ऑफिसर बना रहा हूँ, जा ट्रेन कर, ये टच मुझ केस ना संभाल भाई साहब। लेकिन कहता है की भाई साहब वो मैं तू भाई साहब नहीं, उसको कुछ बिगाड़ सकता, ये नहीं कर सकता, तेरे पास क्या सबूत? कहता है सबूत, फिर मारता है उसको 5-6। कहता तू बता कि तू अपने बाप का बेटा कैसे, तेरे पास कोई सबूत है? कहता तेरे पास क्या सबूत है कि तुझे मैंने मारा है? कहता ये है लोग है ना गवाह, तो वो पीछे लोग बोलते क्या बात कर रहे हो, क्या सिंघम बाबू जी तो उधर खड़े हैं, वो तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। ओए ओए, और उसके बाद जो कुर्सी का भाव बताया, कहता तू बड़ा कुर्सी का भाव बताता, आ जा तुझे पे पकड़ के जो पिछवाड़े पे लाते हैं, अबे लाल कर दिया, अबे कुर्सी पे बंदा नहीं बैठ सकता, तुझे पता है सूजा हुआ तो पिछवाड़ा, डीएसपी को तो कहीं का नहीं छोड़ा, सब लोगों के सामने उसको गंदा किया। अबे तो डीसीपी भी जो भाव, मेरे अंडर में 10 पुलिस स्टेशन है, और कहता है और मेरे अंडर ये एक पुलिस स्टेशन है, इसके अंदर अगर तूने उंगली किया तो तेरा बड़ा गरक कर दूंगा। भाई जारी बात है, दम होना चाहिए, वो बार बार जो बंदे छुड़ा रहा था भाई, आना यार वही बाओसी के थे ना यार, बड़े मजे का नाम था यार।
शंकर वो क्या माइंड में नहीं आ रहा, लेकिन भाई साहब उसी का पालतू है ना डीएसपी, तभी तो भाई साहब उसके बंदों को छुड़ा के ले जाता ही। तो यार आपके क्या थॉट है भाई साहब इस सीन के बारे में? इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, तो बाय।